इस्लाम में एक है जी आदमी का एक रोल है एज हेड ऑफ द फैमिली द आर हेड ऑफ द फैमिली एक तरफ वो भी समझ आती है बच्चों को कि एक तरफ ये एक्सप्रेसिव पेरेंटिंग भी होती है तो दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल पेरेंटिंग भी होती है इस्लामिक पेरेंटिंग इज अ होल टॉपिक बाय द वे वेट इट्स अ सेपरेट टॉपिक है इस्लामिक पेरेंटिंग तो रूहे एक वक्त पे हमारे साथ 9 महीने होती हैं हम बी आर द करियरर्स

असलम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायलॉग विधि अच्छा रिकारंट हम सब को ये क्वेश्चन मिलता है स्पेषली मुझे ऑन सोशल मीडिया कि आप एक वर्किंग मदर भी हैं आपने बच्चों को जो जिस टाइम में हम आजकल रह रहे हैं ये बहुत मुश्किल और आज़माइश वाला टाइम आ चुका है आ, सीधे राह पर चलने के लिए तो अक्सर मुझे क्वेश्चन मिलता है कि आपने अपनी बेटी को किस तरह तरबियत की अपने Uh, बेटे को आप किस तरह uh, अल्लाह से मोहब्बत सिखा रही हैं तो गुड पेरेंटिंग हमने कहा कि हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि हम तीनों माएँ हैं और हमें पता है कि हमें किस किस किस्म के चैलेंजेस को रोज़ाना फेस करनी पड़ती है तो माँ बाप बच्चों की तरबियत में कैसे एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं ये हमारा टॉपिक है और आ, हम स्टार्ट करते हैं आफिया क्योंकि इसके तीन बच्चे हैं हम सबसे ज़्यादा क्योंकि मेरी ड्रॉइंग तो उससे बैठे बनता है तो आप सबसे पहले बताए कि और हैं भी तीन लड़के माशाल्लाह तो और डिफरेंट एज ग्रुप के तो हम जब भी एक दूसरे की नाजे की बेटी है मेरी बेटी बेटा है तो हम जब भी बैठते हैं हम अपनी शेयर करते हैं कि जी ये हमें चैलेंज आ रहा है तुमने क्या किया था यार तो एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस बद बहुत सीखता है एंड uh, आफिया आप ज़रा स्टार्ट करिए सिंस आप हम सब में सबसे आगे हैं हैव अच्छा <laughs> मुझे ये लगा कि एक तो कांस्टेंट जर्नी है दूसरा मुझे ये लगता है कि uh, सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए ना एज़ अ गुड पेरेंट आपके पास एक आपकी टूल किट अगर है पेरेंटिंग की तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्र और शुक्र अपनी सबसे पहले ये कि आपके बच्चों को आप शुक्र से देखें समझें नहीं। नहीं। कितनी बड़ी नेमत है वाकई हम ये चीज थोड़ी सी लैक कर जाते हैं आई वल्सो इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट कि कभी कभी हम अपनी डेली के जो हमारे चेक लिस्ट होती है चीज़ों की पूरी करने में हम उनको ना उस चीज़ का एक जरिया बना लेते हैं कि ये इसके जरिए ये, ये चेक लिस्ट हो गई खाना खा लिया ये हो गया वो हो गया लेकिन इन इट उसके लिए शुक्र अदा करना कि ये बच्चा हाँ। कितनी बड़ी नेमत है क्योंकि किस प्रोसेस से बच्चा आता है आपकी जिंदगी में वो जो पूरा आपको एक माँ को तो गुजारना होता है एक टाइम ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा जो प्रोसेस से आता है अगर कोई मुझसे पूछे आज कि आपका जिंदगी का सबसे ब्यूटिफुल डिफाइनिंग मोमेंट क्या था तो वो हम सब आई थिंक ये कह रहे हैं हर माँ ये कहे कह है कि, yes. कि जब हमारा बच्चा हमारी गोद में पहली दफा डॉक्टर yes. ने रखा इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल और जिंदगी और ये भी प्रोसेस देखो आफिया और नाजे कि हम लोगों औरत को क्या अल्लाह ताला ने दर्जा रखा है कि दो रूहें एक वक्त पे हमारे साथ नौ महीने होती हैं हम वी आर द कैरियर्स ऑफ द न्यू जनरेशन वी आर द कैरियर्स ऑफ अ न्यू रूह व्हिच कम्स इन टू दिस वर्ल्ड जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन होती है और इसलिए हमारा मरतबा भी बहुत है लेकिन ये जो बात है ना सेलिब्रेशन और रिमेंबरिंग की ग्रैटिट्यूड जी अल्लाह ताली ने कितनी बड़ी नियमत हो दिया हम चपेड़े मार के ज़्यादा वो दगे होते हैं कि डिसिप्लिन हो जाए बच्चे लेकिन ये भूल जाते हैं बहुत प्यारा है ये पॉइंट है तो मुझे लगता है हर उम्र में क्योंकि लोग कहते हैं जी वो टेरेबल टूज बड़े मुश्किल होते हैं फिर वो जो उसके बाद टी इन टेंट्रेंस शुरू हो जाते हैं मुझे लगता है हाँ हर एज बड़ी चैलेंजिंग होती है तो मेरा बड़ा बेटा अभी टीन में है दूसरा भी टीज में आ गया है छोटा भी सेवन का हर एज मुश्किल होती है लेकिन अगर ग्रैटीट्यूड आपके अंदर है ना आप संभाल लेते हो संभल जाते हो अल्लाह संभाल लेता है हैं yes. और हर एज के अपने चैलेंजेस होते हैं लेकिन ये कि ये बेसिक मुझे लगता है ये टूल किट में आप बहुत इंपॉर्टेंट है जब उनको देखो अल्लाह का शुक्र करो जब वो शुक्राना आ जाता है ना दिल में तो ह्यूमिलिटी भी और उसके फिर आप अपने बच्चे को एक प्यार से चाहे आप फॉर्म भी, yeah. ना। भी, भी हो चाहे उनको डिसिप्लिन भी करो लेकिन उसमें एक हिम्मत आ जाती है बहुत अच्छा ये जो पॉइंट है ना बैलेंस का

रखे ये ना समझे कि डांटना गलत है या ये ना समझे कि बहुत ज्यादा प्यार कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग से uh, yes. really? yes. is uh, एक स्कॉलर एक का सुन रही थी एंड ही सैट के इस्लाम में इट वॉज डिस्करेज के बच्चे को सात साल से पहले डांटना नहीं मतलब बुरी तरह हम डांट देते हैं और मैंने ये एग्जैक्टली पढ़ा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट का जो रिसर्चर एग्जैक्टली द सेम थिंग अब मैं टेक्निकल बातें नहीं करूँगी लेकिन uh, उसने ये समझाया था कि जो हम आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है उसमें वो पार्ट ग्रो ही नहीं हुआ होता है जिसको उसको समझ आए कि वट इज़ डिसोबीडियंस हम समझते हैं कि बच्चा डिसोबे कर रहा है बच्चे को पता ही नहीं disobedience क्या है। wow. तो that's exactly what the scholar said और वो मतलब ने भी यही बात की कि कि में तक जिसको कहते हैं उस भी बच्चे को डांटने का फायदा है नहीं है बच्चा सिर्फ कंफ्यूज होता है अच्छा ये वाली चीज है नफ से अमारा हाँ जब हम डांट रहे थे ना बच्चे को तो अम्मी कहती थी बेटा अभी ये से अमारा है क्यों डांट रहा कहती थे आपको नहीं पता

करना है ना अपने प्यार से और नफ्स हमारा का मतलब ये होता है कि बच्चा सिर्फ अपना सोच रहा होता है उस चीज में आप सोच ही नहीं सकते कि दूसरे का क्या करना है वो अपने आपको उसकी सारी एनर्जी अपने आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही सो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब मैंने उनका भी सुना और उधर भी सिर्फ दिस इज इस्लामिक पेरेंटिंग डांट डपट एक एज के बाद, बाद स्टार्ट है।, है लेकिन अदब सिखाना जब हम मेरे भी लास्ट एपिसोड में भी अदब की बात कर रहे थे वो चीज़ आप सिखा सकते हैं और प्यार से सिखा सकते हैं एंड दैट इज़ द थिंग दिंग बैलेंस रखना बैलेंस बहुत ज़रूरी है और सिंस हम लोग ये रमज़ान की ट्रांसमेशन कर रहे हैं तो बच्चों की अपब्रिंगिंग में इस्लामिक कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस करना है आजकल कर वो बहुत मिसिंग है और आई नो कि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आप लोगों के आते हैं वो यही आते हैं कि आपने अल्लाह का कॉन्सेप्ट या इस्लाम का कॉन्सेप्ट बच्चों में कैसे इंट्रोड्यूस किया तो उस कॉन्सेप्ट को अगर समझने के लिए मैं दो तीन मैं अपनी तरफ से कहूँगी फिर आप दोनों से भी पूछूंगी आपने क्या किया मुझे ये पता मैं बार बार कहती हूँ कि बचपन से बच्चों को डराना नहीं चाहिए हुँ, बस हुँ. जो ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह से मोहब्बत करना एक मोहब्बत में जब आप किसी को चीज़ फॉलो करते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होती है कि, कि किसी की खौफ में करें तो मैंने कभी अल्लाग से अपने बच्चों को डराया नहीं किसी पॉइंट पे यह ज़रूर किए है कि अगर गलत की चीज़ का कॉन्सेप्ट है तो आप हमेशा शैतान को ले आदम है सो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा गलत करे तो बेटा आप शैतान की बात क्यों मान रहे हो आप शैतान की आदमी में हो वही अब ईसा पे कहती हूँ उसी तरह बच्चियों को स्वभाव ज़्यादा आसान होता है आप बच्चियों के साथ मेहनत करनी नहीं पड़ती लड़कों के साथ बिल्कुल शरारती होते हैं आउट गोइंग होते हैं और हमेशा के ताला आपको बेटा मेरे से ज्यादा प्यार कर अल्लाह ताला तव्ज यू टाइम्स सत्तर गुना माह से ज्यादा प्यार तो अब मुझे मेरे दोनों बच्चों को पता जब कहती वो दोनों दो, कहते हैं भाई अल्लाह फर्स्ट अल्लाह ताला देन अल्ला यू तो ये छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिससे आप बच्चों को शुरू से ही एक लाइन पे ला सकते हैं और फिर उनका एक रुझान हो सकता है दीन की तरफ सो वट यू फील अबाउट दैट या एग्जैक्टली लाइक नाजिया वो सिंह हम

कौन है इसके बारे में कि बच्चों की पेरेंटिंग किस तरह होनी चाहिए सो लाइक फर्स्ट में यू जस्ट प्ले विद दैट्स इट क्योंकि उनकी मेंटल डिवेलपमेंट हो रही होती है और उनका बिलीफ सिस्टम बन रहा होता है यस में जब आप अपने अतीदे शेयर करोगे और आप यू लिव बाय देम तो वो नेचुरली उसमें जाएगा और बच्चे पैदा बिलीफ के साथ होते हैं राधर देन डिस बिल्कुल सो वो नेचुरली उस चीज पे आ जाते हैं फिर देन सेवन टू फोर्टीन यू टेल दे

तो वो मुझे बता रही थी कि ये हजरत अली का जो मॉडल है ना एग्जैक्टली लाइक नाजेंग के द टॉप गुरूज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वो इस मॉडल को इंडोर्स करते हैं क्योंकि वो अपनी जो बातें कहते हैं वो एग्जैक्टली exactly इसके ऊपर बेस्ड है oh, wow. तो वो ये कह रही थी कि आपने अगर पहले सात साल में आपने वो स्ट्रेस नहीं किया बिलीफ सिस्टम जो आपके हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए तो फिर लेटर ईयर्स में बच्चे का बिलीफ नहीं बनेगा फिर आप ना फिर आप कंप्लेन ना करें कि वो नमाज की तरफ नहीं आता वो एथीजम की तरफ जा रहा है उसको तो पता ही नहीं है हमारी क्या है ट्रेडिशन क्या है वगैरह तो जब आपने पहले ये एफर्ट नहीं किया है तो फिर ये बहुत मुश्किल होता जाएगा सो ये पहले साथ साल बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं इसमें आप स्टोरी सुनाएं आप उनको छोटी छोटी चीजों में जैसे हर चीज में ये बादल कितना खूबसूरत है सुबह so ने बनाया अल्लाह अल्लाह यू द मोर यू आर कॉन्शियनशियसली ट्राइंग टू रिमेम्बर अल्लाह इन एवरी थिंग तो yes. वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आ जाए इंग्लियस yes. और फिर आपने वो सीन डाल दिया हो सकता है uh. टीन ईयर्स में वो हट जाए उससे तो इट्स ओके लेकिन आपने so, है। और आपका काम है कि आपने बीज डाला उसकी अल्लाह yes. की, की मर्जी है वो उसको कैसे अपने रास्ते, फिर कि, कि, कितने प्यारे तरीके से yes. है। और एक और जो सेवन ईयर्स की हम बार बार बात करें कि साथ साथ डांटना नहीं चाहिए और उनको अल्लाह की तरफ छोटी छोटी बातों से उनको लेके जाना चाहिए तो आगे जाके आई नो दैट जो कॉम्प्लिकेटेड हमारी आसान हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी इन पता है गुड हाँ वर्सेज ईवर अल्लाह वर्सिज वट एवर नेगेटिविटी और शैतान वाई मैं ये कह रही हूँ बिकॉज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो अब मेरी बेटी पूछती भी नहीं है सोशबीट को जब पहले से मैंने सुना बेटा ये सही है और गलत सही और गलत की पहचान बस वो डर जाए बच्चे पहले सेवन ईयर्स में आई थिंक लेटर डॉन यूर ओके हमारी क्योंकि माई टीन एज डॉटर है हाँ सो वट यू फील एंड टीन एज क्या डिफरेंट होता है एंड यू नो जैसे हाँ चिल्ड्रेन सी एंड दे फॉलो हाँ आप उनको जितना भी समझाओ स्पेश इस एज इस में और भी ज्यादा बिकॉज उनकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इससे दिमाग में होती हैं टीन में तो वो दे सी अब मैं उसको नमाज का कहती हूँ तो बच्चे उसके रिया रिया करते हैं तो फिर एक स्कॉलर ने ही कहा कि उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ना उनके कमरे में जाके नमाज पढ़ा पढ़े ना बिकॉज आई सेम बट वो मैं अपने कमरे में पढ़ती हूँ लेकिन फिर मैंने आई वेट शो कि मैं और उससे वो इरिटेट भी होती है फिर शर्म भी आती है फिर सो इट्स इट्स की फनी लाइक दैट बट इट्स इज़ व्हाट यू डू और क्या yes. यही uh, मैं अम्मी से भी बैठ के बात करती कि अम्मी वो देखे ना कभी पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती तो अम्मी ने कहा कि देखो रेगुलरली पढ़ोगी वो देखेगी तो एंड इट इज़ अगेन सी सी एक माहौल है उसको पता है uh, अम्मी भी पढ़ती है नानी भी पढ़ती है नाना भी पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं सो इट इज़ दैट एग्जाम्पल Yes, mm -hmm. हमेशा की कोई अच्छी बातें करें अः इस्लाम की बातें करें कोई <laughs> बेचारे हमारे बच्चे इरिटेट भी होते हुए ना। आपना। ना। आपना। But that's just it. हमने अपने को ये देखा अब हमें हमें भी, हमें भी, हमें पढ़ पढ़ खुद ही वो देख देख के माँ बाप हम फुल अब ऑटोमेटिकली करें हमारे बच्चे भी इनशाला अगर कुछ टीन एज में नहीं भी पढ़ते दोबारा आ जाएंगे और हम लोग जो ये ज्यादा वो भी करते हैं ना जैसे Uh, फातम अठारह साल की है। उसको मैं जितना वो कभी इरीटेट भी हो जाती कहती थी, ठीक है बेटा अब ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है मैंने तो आपको बस कहना था ये मेरा इतना है mm. ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि टीन बड़ा रिएक्ट करते हैं हमारे तो उनको प्यार से किस तरह करना है कभी छोड़ भी देना है फिर हमने तबीयत से ही कर दी है पेरेंट्स की दुआ बिकॉज ना बच्चे इतना डिफ़िकल्ट आजकल है इतना मतलब मार्च में इतनी रिस्ट्रैक्शन इतनी हैं मसले इतने हैं तो बच्चों को uh, आप एडिनेट भी नहीं कर सकते उससे और उनको uh, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो और यू नो दिल रन अवे फ्रॉम है तो ये दस जिस दुआ होती है ना अल्लाह का अल्लाह से बार बार कहना अल्लाह तू मदद कर और उन बच्चों को सीधे रास्ते पर रख कर हम अपनी एफ़र्ट कर सकते हैं फिर दुआ इतना so तो इम्पॉर्टेंट और uh, हमारी जो कॉन्सेप्ट ऑफ़ कॉन्सेप्टुआ इज ऑल्सो कि माँ बाप की दुआ हम लोग और बहुत ही एस्टिट करते हैं हालांकि कितनी इसकी वैल्यू है इस में

ऊपर से हज जब कर लिया तो और ज्यादा oh, 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 oh. <laughs> <laughs> तो तो मुझसे मेरा कनेक्शन के साथ शायद ना हो जैसा आपका है no, no. तो आई वज लाइक शॉक हम किसी का कनेक्शन फोर्स नहीं कर सकते इवन अल्लाह तला वॉन्ट्स एन ऑथेंटिक कनेक्शन तो मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी आई कि मैं कौन होती हूँ अपने बच्चों को सीधी राी तो अल्लाह नया है वो, वो आप पिन द करके उसके साथ दुआ करते हैं कि या अल्लाह तूने जिस तरह मुझे संभाला है ना मेरे बच्चों को भी वैसे संभालना इट्स लक और वो क्यों नहीं संभालेगा उसकी अमानत है हमसे ज्यादा उसका क्लेम है हमारे बच्चों पे वाकई दूसरी चीज जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है ना ये कि हम कभी-कभी ये भूल जाते हैं कि हमारे जो आ, बच्चे हैं उनके बाप का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उनकी तरफ अगर अदब करें ना तो फिर जो बाप है वो नेचुरली जो उसके अंदर पेरेंटिंग एक इंस्टिल हुई हुई है जो कि हो सकता है हमारी पेरेंटिंग से डिफरेंट हो क्योंकि हम खातन जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ओवर पेरेंटिंग भी करने लग जाती है तो मुझे अभी फील होता है कि अब ये जो टीन में आ गए मेरे दो बच्चे तो अब मैं ना अब उनके फादर के हवाले कर देती हूँ बाबा बाबा मुझे बाबा की बात से एग्रीमेंट हो या ना हो बट आई हैव टू मेंटेन दैट होल्ड कि वो जो कह रहे हैं वो करो ताकि उनके अंदर भी ये सेंस आए अदब का कि उनकी बात सुननी है और ये फैमिली स्ट्रक्चर जो हमारा हम लोग बींग वर्किंग और आजकल जो एक हवा भी चली रही है पूरी दुनिया में कि जी बस Uh, आदमियों को जो है ना वो वाली जो एक हम लोग इस्लाम में एक है जी आदमी का एक रोल है एज हेड ऑफ़ द फैमिली दे आर हेड ऑफ़ द फैमिली और अगर वो आप रिस्पेक्टफुली हमको हेड ऑफ़ द फैमिली का रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चे आपकी वही सीखेंगे उससे एक वो भी आता है ना कन्फ्यूजन नहीं होती नहीं। की भी होता है तो ये वाला जो तुमने बात किया ना अब बाप जो है वो एक बड़े टेबल उनका एक होती है आदमियों में जो अल्लाह की तरफ से है दैट्स माईट सो इम्पॉर्टेंट कि माँ बाप का बैलेंस कि जहाँ हम गलत करें वो कवर कर लेते हैं बाप जहाँ वो गलत करें कवर कर लेती है माँ वो टैब एवं स्ट्रिक्ट ज्यादा है तो माँ ज्यादा प्यार श्यार कर लेती है तो so, येस yes, बाप का रोल इज सो इम्पॉर्टेंट इन द अप्रिंगिंग और यूजली बाप ज़्यादा

फिर कुछ ऐसे मौके आए जब मुझे लगे ही आपसे आप ही करेंगे तो फिर मैंने कहा नहीं आप करें ताकि पता चले कि कैसे होता है ठीक है अब वो मुझे समझ आया कि जो औरतें होती है ना मदर्स होती हैं नेचुरली वेरी एक्सप्रेसिव विद लैंग्वेज लेकिन जो बंदे होते हैं जो बाप होते हैं उनका करने के तरीके होते हैं छोटे छोटे विदाउट से हार्ड वर्क शो अप एक्सेट्रा वो करेंगे तो वो फिर बच्चों का एक तरफ वो भी समझ आती है बच्चों को कि एक तरफ ये एक्सप्रेसिव पेरेंटिंग भी होती है तो दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल wow. दोनों का इस पारेंस 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 और ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसको फिर ये दोनों का रिस्पेक्ट आ जाए yes, very true. बिल्कुल सही बात है और विद दैट वी एंड आर डिस्कशन टूडे वैसे तो ये हम कोई दो चार घंटे इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं और हम करेंगे सबसे जरूरी आई फील इस वक्त सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है ना कि हमारे बच्चों को कैसे संभाल के रखना है उनको अच्छे सिटीजन्स अच्छे ह्यूमन बींग्स कैसे बनाना है सो विद वी इंट्रोड्यूस डिसकशन इन सी यू नेक्स्ट टाइम बट इफ़ यू गाइज हैव कोई आइडियाज़ कि आप किस टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम बात करें तो हम रमज़ान के बाद इन शे रेगुलरली भी आपके टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करेंगे थैंक यू सो मच खुदाफिज